हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस को चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक कीजिए, मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, आपको मदद मिल सकता है। उसी के साथ जो भी स्टॉक मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ, कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके स्टडी पर्पस के लिए मैं ये स्टॉक्स दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो है IRFC। सो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। एक गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर आपको देखने को मिल जाता है। सो इसका मेन काम होता है कि ये फाइनेंसिंग करता है। अगर आप देखेंगे, रेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर एक्सपांशन एंड रनिंग थ्रू कैपिटल मार्केट फॉर अदर बोरोइंग्स। सो ये फाइनेंसिंग करता है फॉर रेलवे प्रोजेक्ट्स, प्लस ये मार्केट से कैपिटल भी रेज करता है। इसका आपको मेन बिजनेस देखने को मिल जाता है। एक काइंड ऑफ NBFC आपको देखने को मिल जाती है। इसका मेन होल्डिंग आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका मेन मेजॉरिटी स्टेक है, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। सो उसके साथ अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने बताया था, कंपनी टाइप ऑफ पब्लिक है, आपको NSE और BSE दोनों में भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाता है। इंडस्ट्री फाइनेंशियल सर्विसेज से फाउंडेड आपको 1986 में 12 दिसंबर को इसका फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाता है। सर्विसेज अगर आप देखेंगे, सेम लीजिंग, लेंडिंग, बोरोइंग आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ एक ओनर आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल जाता है। ये आपको IRFC का वेबसाइट देखने को मिल जाता है। इसमें आप कंपनी का देख सकते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, कैसे फंडिंग किया, सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक डिटेल्ड वेबसाइट आपको देखने को मिल जाती है। सो अगर इसका मेन बिजनेस देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लीजिंग आपको देखने को मिल जाता है। लीजिंग मतलब ये जब ये प्रोजेक्ट्स बनाती है, जो भी फंडिंग करती है, उसको बाद में इसको लीज पर देती है टू मिनी जो हमारे रेलवे मिनिस्ट्री है, उसको लीज पर देती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उसको लीज पर देती है। तो उसको 15 to 30 ईयर्स का लीजिंग होता है। सो फर्स्ट 15 ईयर्स में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसको रीपे करता है जो लोन है वो सब, विद द लीजिंग अमाउंट एंड प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट सब कुछ मिलाकर 15 ईयर्स में क्लियर करता है। बाकी का 15 ईयर्स में ये बाद में शायद उसको सेल भी कर सकते हैं या फिर ये फिर से लीज कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका लीजिंग में आपको मॉडल देखने को मिल जाता है। लेंडिंग सेम है, ये RVNL और जो IRCON या फिर आपको रेलटेल सब का जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए लेंडिंग ये कंपनी आपको करते हुए देखने को मिल जाती है। बोरोइंग आपको मार्केट से पैसा उठाती है या बॉन्ड से उठाती है, बैंक से उठाती है, सब इसका मेन आपको काम देखने को मिल जाता है। इससे मेनली तीन बिजनेसेस में ये अपने आप को इंडल्ज करती है, मेन है लीजिंग, लेंडिंग एंड बोरोइंग। सो उसी के साथ कंपनी का थोड़ा बैलेंस शीट थोड़ा चेक करेंगे। सो अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे, सो फिलहाल पर एक कंपनी आपको 135 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाता है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल जाते हैं, जो कि 32,000 करोड़ के आपके रिजर्व एंड सरप्लस अभी फिलहाल पर देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं, एक जमाने में 15,000 था, बाद में 19 हो गया, बाद में 22,000, 27,000, अभी 32,000 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने बताया था, एक बैंक या NBFC आप बोल सकते हैं। सो इसीलिए आपको इसमें हमेशा आपको कर्जा आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। सेम आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में भी देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कर्जा देखने को मिल जाता है। उसके बाद कंपनी का कैश एंड कैश बैलेंस देख सकते हैं। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि फिलहाल पर 541 करोड़ पर देखने को मिल जाता है। ट्रेड रिसीवेबल्स देखिए, जो कि 2,00,000 करोड़ आपको देखने को मिल जाते हैं। अदर एसेट्स देखेंगे तो वो भी आपको 2,25,000 करोड़ के अदर करेंट एसेट्स देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको देखने को मिल जाती है, प्लस ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सो इसलिए कंपनी के डूबने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसमें एक ही आपको रिस्क देखने को मिल जाती है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद है, क्योंकि वो कभी कभार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि वो कंपनी के जो अच्छा खासा जो कंपनी का फ्लो होता है उसको बीच में काट देते हैं। या फिर अगर आप देखेंगे, आपको फिलहाल पर जो बड़ा इवेंट आपको आने वाले एक दो दिन महीने में देखने को मिल जाता है वो है इलेक्शन। सो अगर इलेक्शन में ये पार्टी, मतलब जो फिलहाल पर जो गवर्नमेंट आपको जो एग्रेसिवनेस देखने को मिल जाता है टावर्ड्स रेलवेज एंड PSUs, वो अगर वही गवर्नमेंट अगर आपको वापस आ गई तो आपको सेम ही कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। प्लस जो टीम है अभी, जो गवर्नमेंट पर जो टीम बैठा है, वो अगर कंटिन्यू रहेंगे तो भी आपको सेम एग्रेसिवनेस देखने को मिलेगा टवर्ड्स PSU। अगर सेम गवर्नमेंट आकर अगर वो टीम चेंज हो गई तो आपको बाद में स्टिल
हमको देखना पड़ेगा कि उनका क्या बोलते हैं अप्रोच क्या है टवर्ड्स PSUs एंड जो रेलवे से वो जो भी जो टोटल ओवरऑल PSU बोल सकते हैं। सो इसके लिए आपको फॉर दिस सेलेक्शन के लिए वेट करके देखना पड़ेगा कि आने वाले दिन में क्या हो सकता है, अगर किसी को कुछ भी इस कंपनी के टवर्ड्स डिसीजन लेना है तो। उसके बाद कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे तो कंपनी साल में दो बार डिविडेंड आपको देता हुआ देखने को मिल जाता है। बहुत ही छोटा डिविडेंड आपको कंपनी देती है क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस भी बहुत ही कम था फिलहाल पर, आपको तेजी में इतना ज़्यादा देखने को मिल जाता है, नहीं तो आपको 30-40 रुपये पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाता था। अभी जो इसको बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिलते गए हैं सो इसीलिए आपको इतना ज़्यादा हाइप बनता हुआ देखने को मिल रहा है रेलवे स्टॉक्स में। उसी के साथ कंपनी का थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा चेक करेंगे। सो अगर आप देखेंगे फिलहाल पर कंपनी आपको 1,76,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाता है। ROC आपको 5.32% है, ROE आपको 14.7% देखने को मिल जाता है, बुक वैल्यू देखेंगे तो 36.9 देखने को मिल रहा है, फेस वैल्यू स्टॉक का 10 रुपये का आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसके पीयर्स अगर कंपेयर करेंगे तो ये आपको जो फाइनेंस टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में आपको नंबर वन देखने को मिल जाता है IRFC, उसके बाद आपको PFC है, REC है, IREDA है, IFCI है, सो ऐसे कंपनीज आपको देखने को मिल जाते हैं। सो नंबर वन पर आपको IRFC देखने को मिल जाता है, जो कि स्टॉक पे भी देख सकते हैं 29.30 है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन पर आप देख सकते हैं वो है इंडियन रिन्यूएबल जो कि IREDA आपको देखने को मिल जाता है, जो कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद कंपनी का सेल्स अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 2012 में कंपनी का सेल्स होता था 4,600 करोड़, वो बढ़कर अभी आपको 23,000 के पार जाता हुआ देखने को मिल रहा है इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। सो अभी तो उससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 481,522 था, अभी वो बढ़कर आपको 6,300 तक जाता हुआ देखने को मिल रहा है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर इस कंपनी की एक मजे की बात देख सकते हैं आप, कंपनी का कोई एक्सपेंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल जाता क्योंकि इसको सिर्फ एम्प्लॉयज़ या फिर बहुत ही मिनिमल एक्सपेंसेस देखने को मिल जाता है। सो जितना कंपनी अर्न करते हैं उसको सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको टर्न होता है देखने को मिल जाता है। OPM भी आपको 90-100% का देखने को मिल जाता है, लेकिन कंपनी NBFC है इसलिए आपको इसको जो लेंडिंग मतलब जो बोरोइंग करती है उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वही एक कंपनी का सबसे ज़्यादा आपको एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको इसलिए वो आपको प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल जाता है क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है। सो ये कंपनी का बिजनेस ही ऐसा है, सो इसका बिजनेस नेचर ही ऐसा है, उसको हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं फिलहाल पर 86% प्रोमोटर के पास देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एज पर से भी नॉर्म्स इसको 75 तक लेके आना पड़ता है लिस्टिंग होने के 3 साल के अंदर। सो अभी अगर आप इसका लिस्टिंग देखेंगे तो आप रिसेंटली देखने को मिल जाता है। FS and DS अगर आप देखेंगे तो आप 2.5% आपको देखने को मिल जाता है, बाद में पब्लिक आपको 11% देखने को मिल जाता है। सो प्रोमोटर एंड पब्लिक का ज़्यादा स्टेक आपको देखने को मिल रहा है, वेयर एज इंस्टीट्यूशन अभी फिलहाल पर उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो ये भी एक लटकती हुई तलवार है क्योंकि इसके ऊपर कभी भी मतलब OFS का खतरा हो सकता है। OFS कोई बुरी बात नहीं है, ये सिर्फ जो आपको जो नॉर्म्स है या फिर बोल सकते हैं कंप्लायंस जो है सभी का उसको मीट करने के लिए उनको करना पड़ता है। सो इसलिए इनको मतलब मजबूरन या ज़बरदस्ती इनको अपना स्टेक कम करना पड़ता है, लेकिन वो मैटर करता है कि वो कितने प्राइस पर OFS आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट आ गया तो आपको शेयर प्राइस में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। 2% या 5% डिस्काउंट पर OFS आ गया तो आपको उतना ज़्यादा स्टॉक प्राइस घटता हुआ देखने को नहीं मिलता है। सो ये एक लटकती हुई तलवार है। अगर इस कंपनी का आप लिस्टिंग देख सकते हैं, सो 2021 जनवरी में हुआ था, सो मतलब आपको 3 साल के अंदर इसको कंप्लीट करना पड़ता है। सो अभी इस साल में आप शायद OFS आ सकता है इस कंपनी का, कभी भी आपको OFS का न्यूज़ सुनने के लिए या देखने के लिए मिल सकता है। अगर 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं 1 साल में कंपनी 400% भागते हुए देखने को मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कंपनी का प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर 5 साल मतलब ये लेटेस्ट लिस्टेड है, सो 3 साल आपको कंप्लीट होते देखने को मिल रहे हैं। सो अगर आप इसमें देखेंगे तो 446% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। उसी के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर से मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय।